एवरीवन, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जो संस्कृत का आपने पेपर दिया था एग्जैक्टली वही का वही एग्जाम में हमें देखने के लिए मिला है, बट आपने टाइम कम दिया था। ठीक है, मतलब आपने जो पेपर दिया था 8 बजे दिया था और हमारा एग्जाम था 9 बजे, तो 1 घंटे में हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसलिए इंग्लिश का जो पेपर हमारा 17 तारीख को है, तो आप हमें पेपर बता दीजिए जिससे कि 17 तारीख को हम 75 में से 75 का स्कोर कर पाएंगे। अगर आप हमें अभी पेपर दे देंगे 14 तारीख को ही, तो हम 17 तक पूरा रट लेंगे और सभी क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। तो देखिए फाइनली मैं सेट डी का आपको पेपर बता दूंगा, बट यहाँ पे देखिए एक कंडीशन रहेगी, मैं क्वेश्चन पेपर पूरा दिखाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो मैं आपको लिमिटेड बताऊंगा। ठीक है, बाकी आंसर्स में आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और जो भी आंसर्स रहेंगे उसकी PDF जो है, स्टडी नोट्स पीरियड जो है आपका यहाँ पे वेबसाइट गूगल पर, उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से जो है आपका एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे 17 तारीख को, तो यहाँ पे अपना रोल नंबर अपना फिल कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है आपका सेक्शन ए रहेगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से सेक्शन ए रहेगा जिसमें कि एक पैसेज रहेगा आपका। ठीक है, पैसेज में देखिए आपका जो है इंदिरा गांधी वाला पैसेज रहेगा और यहाँ पे देखिए डी वाला ये पैसेज है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, और आपका 411 कोड है। तो कुछ इस प्रकार से पेपर जो है पैसेज आपसे पूछा जाएगा इंदिरा गांधी वाला, तो ये जो पैसेज है आपको यहाँ पे पढ़ लेना होगा और इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए और देखिए जो पैसेज है इसके आंसर जो है वो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ आप स्वयं से ढूंढिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे आंसर की जो PDF है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी, बट आप स्वयं से ढूंढेंगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस जरूर होगी। और इस वीडियो का मेन मोटिव मेरा ये है कि आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर बता दूँ। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन आंसर को याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पैसेज है, फिर इसके बाद सेक्शन बी आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, देखिएगा। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी आपका यहाँ पे नोट्स मेकिंग एंड समरी वाला है। ठीक है, यहाँ पे है जो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन है, जो कि आपकी यहाँ पे देखिए फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन, और अथवा में एक लेटर पूछा गया है जो कि आपका यहाँ पे मैरिज वाला है। ठीक है, मैरिज वाला जो शादी में जाने वाला जो होता है ना आपका ब्रदर सिस्टर मैरिज, तो उसका वो था आपका यहाँ पे लेटर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया था, तो ये है आपका ऐसे वाला पोर्शन। तो ऐसे में देखिए जो है आपका मैन माई हॉबी या फिर आ क्रिकेट मैच या फिर साइंस इज योर लाइफ। ठीक है, बंडा ऑफ साइंस वाला निबंध है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, बंडा ऑफ साइंस का भी आप याद कर लेंगे तब भी आपको ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये पैराग्राफ जो है आप इस पर निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एक जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसको आपको पढ़ करके यहाँ पे जो चित्र देख करके जो यहाँ पे 80 बाइट में आपको इसके बारे में लिखना था कि इस चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में आपको बताना था। इसके बाद देखिएगा सेक्शन सी है आपका, जो कि है ग्रामर पोर्शन वाला, तो यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन सी है। और अगर इनके आंसर्स देखने हैं तो इसके पहले जो मैं वीडियो डाल चुका हूँ उसमें इनके आंसर्स मैंने बता दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या होता है, सेट एकदम सेम है बट क्वेश्चन ऊपर नीचे है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर्स उसमें देख लेने हैं, सेट जो मैंने इसके पहले आपका यहाँ पे बी वाला डाला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद है आपका सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से सेक्शन डी रहेगा आपका। सो गाइस, वैसे आंसर की जो PDF है वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्टली अपने मोबाइल में करके दिखा देता हूँ। स्टडी नोट्स पीजे मैंने लिखा, studynotespj.com आया, इस पर क्लिक किया, नीचे आया MP बोर्ड देखा, MP बोर्ड पर क्लिक किया, फिर नीचे आया देखिए पेपर हल PDF 2022 परीक्षा। ठीक है, तो 2023 परीक्षा जो दी गई है, इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिएगा हमें दिया गया है अंग्रेजी, जिसमें कि हमें सेट बी का चाहिए। ठीक है, सेट बी का हमें मैं बता चुका था आपको, सॉरी सेट डी का चाहिए हमें। ठीक है, ए और सी नहीं आया है, सेट डी आ चुका है, तो सेट डी पे हम क्लिक करेंगे। सेट डी पे हम क्लिक करने के बाद देखिएगा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हम सबसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सफ़ेद कलर का डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और 15 सेकंड हमें रुकना होगा। ठीक है, 15 सेकंड हम रुकेंगे और PDF जो है हमारी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। तब तक आप स्टडी नोट्स पीजे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर हमें सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पे भी कोई डाउट होता है तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 सेकंड समाप्त हुए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये हमें ड्राइव पर ले जाएगा, जहाँ पर हमारी सेट डी की जो है यहाँ पे फुल सॉल्यूशन की PDF डली हुई है। ठीक है, कक्षा वार्षिक परीक्षा सेट डी। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी था आपका, ठीक है, सेक्शन डी था, सेक्शन डी देख लेंगे हम। सेक्शन डी देखिएगा कुछ इस प्रकार से, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे भी जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इनके आंसर भी आपको देखने हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपके 3 फिल इन द ब्लैंक्स 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद थे आपके क्वेश्चन नंबर 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा जाएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 10 के आगे का जो यहाँ पे दिए गए हैं ए और बी वाला पोर्शन। फिर है आपका यहाँ पे बी नंबर, ठीक है, 10 में बी नंबर भी देख लीजिए आप, कुछ इस प्रकार से बी नंबर वाला है। 10 में बी नंबर वाला जो पोर्शन है उसको देखेंगे हम, यहाँ पर सी नंबर तक हम ये पूरा पोर्शन देख लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट है अपने आप जो मेन पोर्शन था अपना, क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो अपन देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट हैपन्ड टू लैंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, ठीक है। तो लैंचोस वाला जो क्वेश्चन है देखिएगा कुछ इस प्रकार से, व्हाट हैपन्ड द लैंचोस फील्ड आफ्टर द रेन, ठीक है। इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए आफ्टर द रेन, ठीक है, आफ्टर द रेन, फिर इसके बाद ऑल द कॉर्न इज लैंचोस फील्ड वास, यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये आंसर आपको लिखना था, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपको दे दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, ये आंसर है आपका। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, व्हाट डस मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो मंडेला जो है इन्होंने साउथ अफ्रीका का जो फ्यूचर है वो किस प्रकार से यहाँ पे बताया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन देखिए, और इसका जो आंसर है देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, मंडेला वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ तक हम पूरा करेंगे, ठीक है, यहाँ तक मंडेला वाला जो क्वेश्चन है इसका यहाँ तक आंसर आप पूरा देख लें। नेक्स्ट है आपका देखिएगा टेल्स वाला, देखिए व्हाट टेल्स यू डेट, ठीक है। तो जो ये टेल्स वाला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन अपना दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप देखिएगा, यहाँ पे यहाँ से आपको ये लिखना पूरा प्रारंभ करना पड़ेगा टेल्स तक, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वन से लेकर के आप यहाँ तक ये मदर तक पूरा आप आंसर देख लें, ठीक है, वन से लेकर के मदर तक पूरा आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, व्हाट आर द, यहाँ पे गोवा वाला, ठीक है, गोवा वाला जो क्वेश्चन है गोवा अबाउट वाला, तो ये क्वेश्चन देखें आप, ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है गोवा वाला, गोवा अबाउट वाला ये पूरा क्वेश्चन है, और यहाँ से आप आंसर देखना शुरू करें, ठीक है। दा से लेकर के यहाँ पे यहाँ तक ये पूरा आंसर दिया गया है, ठीक है, दा से लेकर के पूरा आंसर यहाँ तक दिया गया है, तो ये आंसर आपको गोवा वाला करना था, ठीक है। इसके बाद पाँचवा देखें आप, व्हाट डिड बॉक्स वाला, ठीक है, बॉक्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, टू द बॉक्स वाला, तो ये बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देख लें आप, व्हाट डिड मैच डू टू द बॉक्स, ठीक है। तो ये बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड तक ये पूरा आंसर देखें आप, एंड तक, फिर इसके बाद आगे देखिए ये आपका यहाँ तक पूरा आंसर रहेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिएगा छठवा वाला क्वेश्चन, देखिए कुछ इस प्रकार से छठवा दिया गया है, पास्ट टाइम वाला, ठीक है, पास्ट टाइम वाला एक क्वेश्चन है, तो छठवे का आंसर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, छठवा का जो आंसर है यहाँ पे करेंगे अपन, ठीक है, वेल्स से लेकर के पूरा आपको यहाँ पे आउटसाइड तक पूरा करना होगा छठवे का आंसर, देखिए ये अपना छठवा क्वेश्चन है, 11वें का छठवा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आउटसाइड तक करेंगे। इसके बाद था हमारे यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, देखिए 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, 12वां भी है, कोई दो करने थे 12वां में, ठीक है, तो 12वां का यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पहला का आंसर आप देख लें, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ 12वां का पहले का आंसर आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन है अपना यहाँ पे डिस्क्राइब वाला है, ठीक है, डिस्क्राइब वाला जो क्वेश्चन है अपना, देखिए डिस्क्राइब वाला, तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं, वैन से लेकर के पूरा आपको यहाँ पे लिखना होगा स्काई तक, ठीक है, वैन से लेकर के स्काई तक पूरा आंसर लिखना होगा आपको, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, स्काई तक ये पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा भी देखिए व्हाट वाज, यहाँ पे देखिएगा टेल यू दिस वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है टेल यू दिस वाला ये पूरा क्वेश्चन है, सो दूसरा जो क्वेश्चन है वेलास से लेकर के यहाँ पे देखिएगा फॉलोअर्स तक ये पूरा आपको लिखना होगा, वेलास से लेकर के फॉलोअर्स तक, फिर यहाँ पे देखिए ड्राई से लेकर के आपको लिखना होगा यहाँ पे विकम तक, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे देखिए पूरा आपका स्ट्रोंगर से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन करने थे, दोनों आपके आंसर आपको बता दिए हैं। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 13वां में भी कोई दो करने हैं, तो 13वां का आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है अपना हाउ वाला, यूजफुल हाउ वाला यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है अपना यहाँ पे देखिए जो है अपना 13वें का इसको अपन देख रहे हैं, ठीक है, हाउ वाला जो अपना तीसरा क्वेश्चन है इसको अपन देख रहे हैं, हाउ ओल्ड वाला, ठीक है, तो यहाँ पे सो गाइस तीसरे का आंसर यहाँ से लिखना आप यहाँ तक करेंगे प्रारंभ, सबसे पहले यहाँ तक ये तीसरे का आंसर आपको लिखना है, फिर यस से लेकर के पूरा आंसर यहाँ तक आप लिखेंगे मेंबर्स तक, ठीक है, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एंड से लेकर के टाइम तक ये पूरा आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका था जो था आपका तीसरा, और 13वें का पहला क्वेश्चन देखिएगा, 13वें का पहला जो दिया गया है जू वाला, ये जू वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लें आप जू वाला, तो इसका जो आंसर है यहाँ से आप इट से लेकर के लिखेंगे, ठीक है, वाइंड तक, ठीक है, वाइंड तक देख लीजिए, इट से लेकर के वाइंड तक आंसर, फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये पूरा आंसर आपका दिया गया है। अब 13वें का दूसरा क्वेश्चन देखें आप, हाउ डिड डू थिंक
अमंडला वाला, ठीक है। तो इसको 13वें के दूसरे का आंसर आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से, इनसे लेकर के यहाँ पे लाइफ तक के पूरा आंसर लिखना होगा आपको। सो यहाँ पे आप देख लीजिए 13वें का दूसरे का आंसर हो गया। इसके बाद था आपका 14वां क्वेश्चन, देखिएगा अब लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके। नेक्स्ट है आपका 14वां, तो 14वें का आंसर आप देखिएगा। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से, 14वां अपना दिया गया था फाइंड द ट्री वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए फाइंड द ट्री, ठीक है, फाइंड द ट्री थिंग्स डेट वाला एक क्वेश्चन है, तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, एक पॉइंट लिखना होगा, फिर यहाँ पे इसके पॉइंट बना बना के लिखने होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये पहला पॉइंट अपन देख लेते हैं, देखिए पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दोनों पॉइंट देख लें आप, फिर ये आपका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन देखिएगा कुछ इस प्रकार से, 15वां क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका यहाँ पे जो है 3 नंबर का है, तो 15वें का आंसर भी देखिएगा आप। ये जो है अपना पहले ही वाला देखेंगे हम, 15वें का पहला, तो 15वें का पहले देखिए ये क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। द रियल से लेकर के आपको यहाँ पे पूरा अबे ज्वालास तक लिखना होगा, ठीक है, तो ये 15वें का है। फिर इसके बाद लास्ट आपका 16वां है, तो 16वां क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ये 16वां क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है देखिएगा यहाँ पे हर से लेकर के ये पूरा आपको यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। तो ये 16वें का आंसर हो गया। सो गाइस कुछ इस प्रकार से ये सभी आंसर जो हैं क्वेश्चंस के मैंने बता दिए हैं। अब जो ये पीडीएफ है जो मैंने आपको बताई है, पहले ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, studynotespj.com पर ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ और पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आपको studynotespj.com पर जाकर के यहाँ पे गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर लेनी है, या फिर गूगल पे नहीं मिल रही तो टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है।